ऑपरेशन मेघदूत दुनिया में सबसे लंबे समय से चला आ रहा एयर सप्लाई ऑपरेशन है। इसे पूरे साल जारी रखना पड़ता है। ये कहानी है सियाचिन की। भारत को सियाचिन में सैनिकों की तैनाती पर रोजाना 5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यहाँ 10,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद रहते हैं ताकि ग्लेशियर पर चलने वाले मिलिट्री ऑपरेशंस में मदद दे सकें। हर साल करीब 6,000 टन जरूरत की चीजें ग्लेशियर तक पहुंचाई जाती है। इस सामान के बिना वहां जिंदा रहना नामुमकिन है। सर्दियां यहां लंबी और मुश्किल होती हैं और औसतन 35 फुट बर्फ गिरती है। ऑपरेशन मेघदूत दुनिया में सबसे लंबे समय से चला आ रहा एयर सप्लाई ऑपरेशन है। इसे पूरे साल जारी रखना पड़ता है। एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव अकेला ऐसा हेलीकॉप्टर है जो सियाचिन की सबसे दूर मौजूद आर्मी पोस्ट पर भी लैंड कर सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो ध्रुव Mk3 बनाया है उसमें एक एडवांस्ड शक्ति इंजन है। ये 5,500 किलो वजन उठा सकता है, यानी चीता हेलीकॉप्टर से 2.5 गुना ज्यादा। अपनी कार्बन फाइबर बॉडी की वजह से इस हेलीकॉप्टर का वजन बहुत कम है। ग्लेशियर तक कोई सड़क नहीं है, लैंडिंग पैड भी नहीं है, इसीलिए दूर दराज मौजूद चौकियों पर ज्यादातर सामान एयर ड्रॉप किया जाता है। सामान सही सलामत लैंड करे इसके लिए पैराशूट्स को ठीक से काम करना जरूरी है। पैराशूट पैक करने वाले एक सेंटर में एक टीम आखिरी चेकिंग कर रही है। इसके बाद ही जरूरी सामान को हेलीकॉप्टर्स में लोड किया जाएगा। इस मॉडल के पीछे की तरफ एक दरवाजा है जिससे सामान को लोड और ड्रॉप करना आसान हो जाता है। सामान को गिराए जाने के बाद उसे फौरन इकट्ठा करना होता है, वरना वो बर्फ में गुम हो सकता है।